आजकल के मौसम में बहुत ही आम बीमारी है पेट का ख़राब होना, यानी कि लूज मोशंस होना। जल्दी जल्दी पेट ख़राब हो जाता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। कारण है कि पानी जो है बहुत ही कंटामिनेटेड मिलता है। इसके अलावा जो आसपास का वातावरण है वो भी स्वच्छ नहीं होता। बाज़ार से आने वाली सब्ज़ियाँ जो हैं वो गंदे पानी से धुली हुई होती हैं। इस वजह से बहुत ही आसानी से हमारा पेट ख़राब हो जाता है। और एक बहुत मुख्य कारण होता है हमारी पाचक अग्नि का मंद पड़ना और कमज़ोर पड़ जाना, और हमारे शरीर की जो बीमारी से लड़ने की ताकत है उसका कमज़ोर हो जाना। तो बेहद ज़रूरी है कि इस मौसम में अपने पेट का ख्याल रखा जाए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, पानी को उबाल के ठंडा करके पिया जाए, बाहर से आने वाली हर सब्ज़ी को अच्छे से पानी से धोया जाए 2 से 3 बार, और अगर आप कर सकें तो जिस पानी में आपने सब्ज़ियों को धोना है उसमें एक चुटकी पोटेशियम परमंगनेट या KMnO4 पाउडर, या जिसको आम भाषा में हम लाल पाउडर बोलते हैं, उसमें मिला के पानी में, उस पानी से फिर उन सब्ज़ियों को और फलों को धोया जाए और उसके बाद उसका सेवन किया जाए। इसके अलावा जो हम खाना पकाते हैं उसमें काली मिर्च और हींग का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए ताकि हमारी पाचक अग्नि ठीक रहे और किसी तरह की जो हमारी समस्या है पेट खराब होने की उससे हम निजात पा सकें। इसके अलावा आजकल के मौसम में बेल का इस्तेमाल करने से भी बहुत जल्दी हमारा पेट ठीक रहता है, और इसको हम फ्रेश फ्रूट में की तरह खा सकते हैं, बेल का शरबत बना के पी सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पिपली मूल का चूर्ण करके एक चुटकी अपने भोजन में उसका इस्तेमाल करेंगे तो आजकल के मौसम में जो वाति का अतिसार होता है यानी कि वात के प्रकोप के कारण जो हमारा पेट खराब होता है वो नहीं होगा और हम स्वस्थ रहेंगे।